वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सज्जाद अली विदर। और हम जा रहे हैं याकतपुर से हमारे गांव की नदी को देखने के लिए, क्योंकि बारिश में कितना पानी चढ़ा है उसका क्या है और नदी कितनी भरी है इसलिए देखने लिए आ रहे हैं। साथ में इमरान भाई, अबू मामू और मिस्टर समीर। समीर कह रहा है बोलो जुबान केसरी। तो गाइस अभी हम आ गए हमारे नदी के पास, तो हम आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे कि कैसे चल रहा है, बारिश वगैरह, मौसम ठंडा है बढ़िया एकदम, माशाल्लाह बहुत ही हरियाली है यहाँ पर आसपास। तो हम यहाँ पर कार कर देंगे बाजुक पार्क में, यहाँ पर रोड साइड में पार्क कर दिया, अभी हम चलेंगे गाइस बाहर। तो माशाल्लाह अभी भी बारिश चल रही है और यहाँ पर है हमारा मिस्टर समीर, इमरान भाई और अबू मामू। तो हम चलेंगे अभी नदी देखेंगे किस तरह से। माशाल्लाह नदी फुल हो गई है, दो दिन पहले तो पूरी खाली थी, कल कम था, कम था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा पानी बहुत। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर, सोया अब आया ना हाथ को खेतों चले गए पूरे। हाँ समीर, तो सोए का नुकसान होगा बहुत। मच्छर उधर बहुत दूर है, बुछनली नदी में आप देख रहे हैं ये साइड भी पानी फुल है। आपने अगले साल वाला व्लॉग देखेंगे, यहाँ पर हम फिशिंग कर रहे थे, आप देख रहे हैं यहाँ पर फुल है। दो दिन पहले गाइस ये पूरा खाली था नदी, है दो दिन में इतना पानी अपने आप को ओवरटेक कर लिया है और इसी तरह से बारिश शुरू होगी तो ये रोड के ऊपर से भी जाने वाला है पानी। अगर इसी तरह से मौसम रहा अभी दो चार दिन कंटिन्यू बारिश ऐसे ही रहेगी तो इस रोड के ऊपर से भी जाएगा पानी। तो आप देख रहे हैं व्यू, सो गाइस अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नदी है और पानी की ओवरलोडिंग से वहाँ पर नारियल का झाड़ गिर चुका है। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक पेड़ पूरी तरह से गिर चुका है और रोडें हैं खाली। मैंने अगले व्लॉग में बताया था कि मैंने जो शेर शायरी कहा था वो फिर से दोहराता हूँ, यहाँ पर सड़कें हैं खाली, खाली है बाज़ार, सड़कें हैं खाली, खाली है बाज़ार, आठ दिन से लगातार बारिश है मेरे यार। आप यहाँ पर देख सकते हैं नारियल का झाड़ किस तरह से गिर चुका है पानी का ओवरलोडिंग होने की वजह से, और ये नारियल का पेड़ जो पूरी तरह से डूबा हुआ है और ये डेंजर जोन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो सकता है, यहाँ पर अर्थिंग हो सकती है क्योंकि बारिश तो फुल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नारियल के पेड़ के पत्ते जल रहे हैं करंट के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। यहाँ पर हमारा सलीम समीर बताएगा यहाँ पर जंप करके छलांग मार के किस तरह से वो डाई मारेगा नदी के, यहाँ पर कूदेगा वहाँ से डाई मार के निकल जाएगा वो। ओ भाई साहब गजब, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट का जो ट्रांसफॉर्म होता है पूरी तरह से, करंट का जो ट्रांसफॉर्म है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, तो ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन है क्योंकि करंट सर्किट भी हो सकता है, अर्थिंग हो सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो भाई गाड़ी बहुत ही फास्ट आ रही है यहाँ पर, ऐसे बारिश में धीरे चलाना चाहिए क्योंकि जब आप ब्रेक मारते हैं तो टायर भी स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो जब ऐसी भीगी हुई सड़क हो तो गाइस आप लोग क्या कीजिए, ज़रा धीरे से ही कार या गाड़ी या बाइक कुछ भी हो चलाए क्योंकि जब ब्रेक मारते हैं तो कार जो रोड जो चिकनी होती है सर टायर स्लिप होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं रख रख के मार रही हैं पब्लिक भी, कारें भी स्पीड आ रही हैं बहुत। और गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बस आ रही है, ये बस से भी बच्चे लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं खिड़की के अंदर से। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नदी का जो व्यू है, ये नदी के अंदर के पेड़ पौधे है और अभी आप देख रहे हैं ब्रिज से सिर्फ 4 फीट की दूरी पर है पानी है। अगर ऐसे मौसम लगातार बारिश होगी तो सड़क के ऊपर से जाएगा कंपलसरी, इतना पानी अगर होगा तो। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रिज पर है और यहाँ पर पूरा हरियाली है, अंदर जो खेत खलियान है, गन्ने के खेत को पानी से कोई इफेक्ट नहीं होता मगर जो सोया डालते हैं उसका सोया का पूरा ख़राब हो जाएगा इस पानी से क्योंकि खेत जो है पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं वहाँ के। अभी गन्ने को कुछ इफेक्ट तो नहीं होगा कि पानी कितना ज़्यादा हो, गन्ना संभाल लेगा मगर सोया नहीं संभाल सकता, मूंग नहीं संभाल सकता, ये जो खेत होते हैं दूसरे संभाल नहीं सकते कि इतने ज़्यादा बारिश को।
सो गाइस यहाँ पर फार्मिंग में यानी कि खेत को जाने का रास्ता था पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। सामने करंट का जो ट्रांसफार्मर वो भी डूबा हुआ है। लगभग ये आसपास के खेतों में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। सो गाइस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जब तक हम आपसे मिलेंगे नई जगह नई वीडियो पर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।